नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानी उल्लू पर। आइए आज कुछ नया जानते हैं। हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी के समान माना गया है। हमारे धर्म में जितना सम्मान एक स्त्री को दिया गया है, शायद ही किसी धर्म में इतना ऊंचा स्थान स्त्री को प्रदान किया गया हो। हमारा धर्म इस संसार के प्रत्येक स्त्री को देवी का ही अंश मानता है तथा इनकी पूजा, इनका सम्मान एवं इन्हें उचित आदर देने का उपदेश भी देता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। एक स्त्री अपने आप में एकल नहीं, अपितु वह कई रूपों में अपनी पूरी जिंदगी को जीती है और कई रूपों में हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करने में सहयोग करती है। चाहे स्त्री का वात्सल्य से भरा माता का रूप हो या प्रेम से भरा बहन का, चाहे हमारे जीवन के हर दुख को खुद पर ले लेने को आतुर रहने वाली पत्नी का रूप ही क्यों न हो, हर रूप में एक स्त्री हमारे और हमारे समाज के लिए वरदान है, कल्पतरु है, जो अपना सर्वस्व लुटा देने को सदा आतुर रहती है। परंतु आज सोचने वाली बात यह है कि स्त्रियों की दशा वर्तमान समय में क्या से क्या हो गई है। इनकी दशा देखकर हृदय द्रवित हो जाता है। लोग स्त्री को केवल भोग का साधन समझ बैठे हैं और उन्हें उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि स्त्री भोग का नहीं अपितु मोक्ष का साधन है। बदलते समय के अनुसार आज अधिकांश स्त्रियां भी दिशाहीन हो चुकी हैं। अपने अंगों के प्रदर्शन, अपने गलत चाल चलन के कारण अपना सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा दोनों खोती जा रही हैं। शास्त्रों में स्त्रियों को ब्रह्मा भी कहा गया है, क्योंकि एक स्त्री निर्माण करती है एक समाज का, एक नागरिक का, एक महान देश का। इसलिए स्त्री को कैसे रहना चाहिए इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर श्लोक कहा गया है। अधः पश्यस्वमोपरि संतराम पादकौ हर माते कसपक्लौ दृशन स्त्री ही ब्रह्मा भवभूत, अर्थात हे नारी, नीचे देख, ऊपर मत देख, दोनों पैरों को ठीक प्रकार से एकत्र करके रख, दोनों स्तन, पीठ और पेट, दोनों नितंब, दोनों जांघों, दोनों पिंडलियां और दोनों टखने दिखाई न दें। यह सब कुछ किस लिए? क्योंकि स्त्री ब्रह्मा है, निर्माण कर्त्री है, जो एक आदर्श पुरुष का निर्माण करती है, एक आदर्श नागरिक का निर्माण करती है और एक आदर्श देश का निर्माण करती है। शास्त्रों में नारी के सील का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रत्येक नारी को इन गुणों को अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। स्त्रियों को अपने दृष्टि सदा नीची रखनी चाहिए, ऊपर नहीं। नीचे दृष्टि रखना लज्जा और शालीनता का प्रतीक है, ऊपर देखना निर्लज्जता और अशालीनता का द्योतक है। स्त्रियों को चलते समय दोनों पैरों को मिलाकर बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। इठलाते हुए, मटकते हुए, हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए चंचलता और चपलता से नहीं चलना चाहिए। नारियों को वस्त्र इस प्रकार धारण करना चाहिए कि उनके गुप्त अंग जैसे स्तन, पेट, पीठ, जंघाएं और पिंडलियां आदि दिखाई न दें। अपने अंगों का प्रदर्शन करना विलासिता और लंपटता का द्योतक है। सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि स्त्री के लिए इतना बंधन क्यों, इतना कठोर साधना किस लिए? तो इसका उत्तर है कि नारी ब्रह्मा है, वह जीवन निर्मात्री और सृजन कर्त्री है। यदि नारी ही बिगड़ गई तो सृष्टि भी बिगड़ जाएगी। हर जीव इस प्रकृति के अनुकूल होकर ही जी सकता है, इसके प्रतिकूल जाने पर नुकसान है। स्त्री प्रकृति शक्ति का ही एक रूप है और स्त्री ही बिगड़ जाएगी तो सर्वस्व नाश होना ही होना है, और यह सब आज हम सब अपनी आँखों से देख भी रहे हैं। इसलिए
माताओं बहनों, अपने अंगों का प्रदर्शन मत करो, अपने धर्म की रीति के अनुसार अपना जीवन जियो और देवी दुर्गा के सदृश पूजित हो। तुम मत भूलो कि तुम त्याग की प्रतिमूर्ति हो, तुम प्रेम की देवी हो, तुम्हारे अंदर असीम सहन शक्ति है, तुम माँ हो, तुम्हारे स्थान को इस संसार में कोई नहीं ले सकता। हे स्त्री, तुम्हें देवी का अंश बताकर तुम्हें पूजित किया गया है, तुम अपनी मर्यादा और सील के अंदर रहो। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।